नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर केस में एक बड़ी खबर सामने आई। जिस तरह से इस केस में बात करें अगर, जो हड्डियां दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगली इलाके से मिली थी, उन हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मैच हो गया। एक बहुत बड़ी खबर और कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी जीत भी मानी जा रही है। बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी बीते बुधवार को दिल्ली पुलिस को सौंपी जा चुकी है। अब इसके बाद श्रद्धा की हड्डियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि श्रद्धा के शव के जो टुकड़े हड्डियों के रूप में पुलिस को बरामद हुए थे, अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जल्द ही भेजा जाना है, क्योंकि यहां पर इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि क्या वो हड्डियां, वो शव के टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं। डीएनए रिपोर्ट मैच हो चुकी है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि ये श्रद्धा की ही बॉडी के पार्ट्स हैं। और अब जिस तरह से डीएनए रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि श्रद्धा के ही बॉडी के पार्ट्स, अब इसके बाद इन शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम होना है, जिसके बाद आफताब की जो घिनौनियत है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पोस्टमार्टम में हर वो चीज़ पता चल जाएगी कि आखिरकार आफताब ने श्रद्धा की जान लेने से पहले उसके साथ क्या किया था, किस तरह से श्रद्धा को तड़पाया था, या फिर क्या श्रद्धा की बॉडी के साथ उसने और भी किसी तरह की छेड़छाड़ की है। तो साफ तौर पर जहाँ एक और डीएनए मैच होने के बाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी गई, तो अब पोस्टमार्टम होने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या बड़ा खुलासा होता है। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी श्रद्धा के केस से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए बने रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। नमस्कार।